गाइस एग्जांपल नंबर 12 को देखते हैं, ये अपने आप में एक जबरदस्त है। उसके अंदर कुछ बस लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आपसे पढ़नी आ गई स्मार्ट वे में जल्दी जल्दी तो आप न्यूमेरिकल भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा करेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर है तो मजा आ गया आपको, ऑफ इंडक्टेंस टू हेनरी, मतलब एल आपको दे रखा। आगे क्या पूछ रहा है, इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव, करंट को जो आप साइन वेव की तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा और एम्पलीट्यूड जो है उसका वो 0.25 है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, तो वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड आपको दे रखा 0.25 एम्पियर। और आपको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है, या फिर आप ये कहें कि जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वही मैक्सिमम वैल्यू होती है उस वेव की। अब मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, करंट है, तो करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा, आई नोट दिया हुआ है, आई नोट कितना है 0.25 एम्पियर। आगे क्या पूछ रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्स। आगे क्या क्या रखा, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी इफेक्टिव पूछ रहा है आपसे, वी इफेक्टिव पूछ रहा है अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस आपको क्या बताना है वी इफेक्टिव। आपको पता है वी इफेक्टिव ओम्स लॉ लगा दो, वी इफेक्टिव सिंस वी नो दैट, देखो अभी बताते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी। वी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज होता करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट भी आपको इफेक्टिव चाहिए और रेजिस्टेंस यहाँ पर प्योर इंडक्टर है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्सएल। वी इफेक्टिव आपसे पूछ रहा है, आई इफेक्टिव आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो दिखा देंगे। आई इफेक्टिव आपको पता है, आई इफेक्टिव एक तरह का आई आर एम एस है, तो आई आर एम एस जो होता है वो आई इफेक्टिव होता है जिसकी वैल्यू होती है आई नोट अपॉन रूट टू, तो इसको यहाँ पुट कर दो, आई इफेक्टिव हो जाएगा आई नोट अपॉन रूट टू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू एल, सही है, बिल्कुल सही है। आई नोट की वैल्यू पुट करो 0.25, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो है वो यहाँ, अरे क्या हो गया, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है भाई। और एक काम कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि आपको अच्छा लगे, कलर चेंज कर दिया मैंने। इसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर होगी, हमसे क्या कह रहा है, वी इफेक्टिव बताओ, वी इफेक्टिव बता देंगे, आई नोट की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर और रूट टू नीचे ऐसे रह जाएगा। अगर चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, आपको पता है आई नोट अपॉन रूट टू इसका मतलब होता है 0.707 इंटू आई नोट, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, देखो आप पिछले न्यूमेरिकल्स देखो आपको पता लग जाएगा, टू ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, एफ ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे ही रहेगा। अब रखेंगे सबकी वैल्यू 0.707, कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। आई नोट की वैल्यू आपको गिवन है 0.25, ठीक है, टू ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसी है, फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज दे रखी है, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो 2 हेनरी दे रखी है। कैलकुलेशन कर लो और आंसर पढ़ लो, कैलकुलेशन कर लो और आंसर पढ़ लो, इसकी कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो 7 से तो ये कट जाएगा 0.101 बार, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वी इफेक्टिव जो निकल कर आएगा वो आएगा एग्जाम्पल नंबर 12 में, वी इफेक्टिव वैल्यू आ रही है 133.2 बोल्ट, ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख लें, कैलकुलेट करें वैल्यूज़ को, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, मैं कॉन्सेप्ट बता करके न्यूमेरिकल सॉल्व करा करके बस छोटा सा लास्ट में आपको कैलकुलेशन देता हूँ, वो कर लिया करें। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कैलकुलेशन भी नहीं देता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ, जब मुझे लगता है ना कि बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसको मैं कर लेता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती है तो वो आप करें, क्योंकि कैलकुलेशन कोई ऐसा नहीं है कि वो समझाने की ज़रूरत है, वो कैलकुलेशन तो बच्चों की अपनी स्किल होती है, वो कितने अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को वो उन्हें खुद को पता है। तो कैलकुलेशन जो है ये आप खुद किया करें, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, न्यूमेरिकल किस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है ये बता दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
अगर किसी के समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन में टैली इंस्टा फेसबुक का लिंक जा करके फॉलो करें, और जो डाउट्स हैं आपके जेन्युइन डाउट्स उनको डिस्कस करना सीखें। शर्माएं नहीं, ये मत ना सोचें कि दूसरा क्या सोचेगा अगर आप पूछेंगे तो। भाई अगर आपके मन में ये हीन भावना रहेगी कि दूसरा क्या सोचेगा, तो फिर आप नहीं पूछ पाएंगे, और जब आप नहीं पूछ पाएंगे तो आप अपने मर्ज़ को और बढ़ा लेंगे, मतलब जो आपके अंदर कमी है उसको आप और एनहांस कर लेंगे, तो वो चीज़ ना होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो भाई दोबारा वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।